Hey guys, welcome back to the channel. This is Rishabh Jaiswal and you are watching Techno Blogger. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट फोन विद इन 10,000 जो भी मार्केट में अवेलेबल है। तो इनफैक्ट मैंने पांच फोन को चूज किया है, जिस पांच फोन में से कौन सा बेस्ट फोन होगा आपके लिए उसके बारे में बात करेंगे। सारे फोन के फीचर्स के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बिना कोई और टाइम वेस्ट किए सो लेट्स बिगिन। तो मैं जो ये पांच फोनों का जो लिस्ट बनाया हूँ उसमें से मैंने हर एक फ़ोन को एक क्राइटेरिया देख के इस पांच फ़ोन के लिस्ट में रखा है, जिसमें से मैंने मिनिमम आपका हेलवी G35 प्रोसेसर रखा है क्योंकि परफॉर्मेंस को मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी देते हुए रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने मिनिमम 5000 mAh की बैटरी को वाले फ़ोन को इस लिस्ट में रखा है। उसके बाद मिनिमम 3GB 32GB स्टोरेज और मिनिमम डुअल कैमरा सेटअप वाले फ़ोन को। तो यार तुम स्टार्ट करते हैं हमारे पांचवें नंबर वाले फ़ोन से। तो जो हमारे पांचवें नंबर पे जो हमारा फ़ोन है वो रियलमी की तरफ से C15 है, और इसके बारे में हम कुछ फीचर्स के बारे में बात कर ले तो उसमें आपको HD+ डिस्प्ले मिलता है। जी हाँ, एक 6.5 इंच का एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें MediaTek का हेलवी G35 प्रोसेसर देखने को मिलता है। कैमरा सेटअप के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 13 MP का एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है विद 8 MP का एक सेल्फी कैमरा, जो आपको एक नॉच डिज़ाइन में देखने को मिलेगा। और अगर हम बैटरी की बात करें, जी हाँ, इस फ़ोन का मेजर हाईलाइट है बैटरी, जो है 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी जिसके साथ 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। तो यार यही था हमारा फिफ्थ नंबर पे फ़ोन। अब हम बढ़ते हैं हमारा चौथे नंबर पे। जो हमारा फ़ोन है वो Xiaomi की तरफ से Redmi 9 है, जिसके हम कुछ फीचर्स के बारे में बात कर ले तो उसमें आपको एक अगेन 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें अगेन हेलवी G35 का आपको MediaTek वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। कैमरा सेटअप में आपको 13 MP का एक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, उसके साथ में आपको एक 5 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है विथ नॉच। और इसमें भी आपको एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है 5000 mAh की, थोड़ी कम है रियलमी C15 से। बट इसमें अगर हम स्टोरेज के बारे में बात करें तो इसमें आपको 4GB 64 वाला वेरिएंट आपको 8999 या 8999 यानी 9000 रुपये में देखने को मिलेगा। और आपका 128GB वाला वेरियंट आपको 9999 यानी 10,000 की कीमत में आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पे आपको Realme C15 में आपको 3GB 32 के लिए आपको 9999 यानी 10,000 रुपये देना पड़ेगा, और 4GB 64 जाने के लिए आपका बजट थोड़ा ओवर बजट हो जाएगा और आपको 10,999 देना पड़ेगा। तो यार इसमें आपको एक ज़्यादा स्टोरेज देखने को मिल रहा है, जिसके कारण मैंने इसे उसके आगे रखा है। बाकी प्रोसेसर सेम देखने को मिल रहा है और सेम HD 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हुए हम बात करें, हमारा तीसरा नंबर पे फ़ोन है वो आपका तीसरा नंबर पे मैंने फ़ोन रखा अगेन ये Realme का C3 फ़ोन है, जिसमें हम अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको अगेन एक 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। उसके साथ हम प्रोसेसर की बात करें तो हाँ, यहाँ पे आपको प्रोसेसर है MediaTek का हेलवी G70 देखने को मिलता है, जो अभी तक बाकी दोनों फ़ोन में हमें G35 देखने को मिल रहा था। तो इसमें आपको एक बेटर प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो लाइक हल्का फुल्के गेमिंग वेमिंग करेंगे तो आपको इस फोन में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 3GB RAM और 32GB इंटरनल देखने को मिलता है। बैटरी अगेन इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। पर यहाँ पे अगर आप कैमरा के बारे में हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको ओनली डुअल कैमरा देखने को मिलता है 12+2 MP का। बाकी दोनों फ़ोन में किसी में क्वाड कैमरा सेटअप था और एक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिला, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 12+2 MP का, संग में 5 MP का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं देखने को मिलता है, बाकी उस दोनों फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता था। तो ये हमारा तीसरा नंबर वाला फ़ोन था जिसको हमने प्रोसेसर देख के तीसरे नंबर पे रखा। तो अब हम बढ़ते अपने दूसरे नंबर वाले फ़ोन में, जो अगेन एक रियलमी का फ़ोन है, नियर रियलमी नार्जो 10A। तो यार इसके फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा अगेन डिस्प्ले पे आते हैं तो इसमें अगेन आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। उसके साथ में प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें अगेन आपको MediaTek का हेलवी G70 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो आपको Realme C3 में देखने को मिला था। उसके अलावा हम बात करें इसमें भी एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है 5000 mAh की, इसमें पर आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलता है। उसके साथ अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसको आपको 3GB 32GB के लिए 8999 यानी 9000 रुपया आपको लगेगा, और आपके 4GB 64GB वेरियंट के लिए 9999 यानी 10,000 रुपया आपका लग जाएगा। तो इसको भी मैंने प्रोसेसर के लिए रखा है। उसके साथ में आपको 12 MP का जो ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 5 MP का सेल्फी भी देखने को मिलता है। तो यार अब हम आते हैं जो हमारे पहला नंबर वाला फ़ोन है, ये काफ़ी मतलब एक ऑलराउंडर फ़ोन है, जिसमें
कुछ भी चीज़ की कमी नहीं की गई है। तो ये फ़ोन आता है हमारा Xiaomi की तरफ से Redmi 9 Prime। तो ये फ़ोन में मैंने परफॉर्मेंस, बैटरी, कैमरा सब चीज़ एकदम टॉप ऑफ द क्लास है। इनफैक्ट इस पर डिस्प्ले से स्टार्ट करते तो इसमें आपको एक लौता फ़ोन है ये इस बजट रेंज में जिसमें आपको 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, या बाकी किसी भी चारों फ़ोन में आपको एक फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं मिला था, सिर्फ HD प्लस मिल रहा था। तो इस फ़ोन की खासियत तो इसमें आपको समझ में आ गई होगी, इसमें आपको बाकी चारों फोन से एक बेटर डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। बाकी प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको MediaTek का Helvi G80 प्रोसेसर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गेमिंग वेमिंग करते हो तो आपको इस फोन में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ये बाकी चारों फोन से आपको इसमें एक बेटर प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, उसके साथ में एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है विथ नॉच डिज़ाइन। तो यार ये कैमरा का जो सेटअप है वो एग्जैक्टली रियलमी C15 जैसा है, एग्जैक्टली सेम रियर कैमरा सेटअप और एग्जैक्टली सेम आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें 5020 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है विद 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। इनफैक्ट जो बॉक्स के साथ आपको चार्जर मिलेगा वो 10W का ही रहेगा, पर आप एक फास्ट चार्जर से भी इसे चार्ज कर सकते हो। इनफैक्ट यही एक अकेला फ़ोन है जिसमें आपको सी टाइप पोर्ट का देखने को मिलता है, बाकी आपको सभी माइक्रो USB देखने को मिलता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो आपको 4GB 64GB के लिए 9999 यानी 10,000 रुपये लगेंगे, और अगर हम इसका 128GB वाले वेरिएंट जो 4GB 128 है तो उसके लिए आपको 2,000 रुपये और देना पड़ेगा यानी 11,999। तो वो हमारे बजट के बाहर चला जाता है। तो यार जो 5 फ़ोन ये जो मैंने चूज़ किया है इसमें सब में मैंने एक बेटर आपको प्रोसेसर दिखा दिया, मिनिमम 5,000 mAh की बैटरी दिखा दी। तो यही कुछ 5 फ़ोन का लिस्ट बना जिसमें हमारा क्लियर विनर है रेडमी 9 प्रो जो नंबर 1 पे मैंने आपको बताया। तो यार ऑब्वियसली अगर आप एक कोई फ़ोन आप लेना चाह रहे हो 10,000 के अंदर तो आप अनडाउटली आप बन करके आप रेडमी 9 प्राइम में जा सकते हो, पर अगर आपको लगता है कि 5020 mAh भी आपके लिए कम है तो आपको मैंने 6000 mAh की बैटरी का भी ऑप्शन बताया, बट इसमें आपको प्रोसेसर थोड़ा सा कम देखने को मिल जाता है। तो अगर आप गेमर नहीं हैं, आप गेमिंग वेमिंग नहीं करते और आपको एक ज़्यादा स्टोरेज वाला फ़ोन चाहिए तो आप ज़्यादा स्टोरेज के लिए इनफैक्ट आप Redmi 9 में जा सकते हो, जहाँ पे आपको 128GB आपको 10,000 में देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए उसके साथ में अगर आपको गेमिंग अगर आप उतना नहीं करते तो आप बाकी 6000 mAh बैटरी वाले फ़ोन में भी जा सकते हो। तो यार बट द क्लियर विनर इज Redmi 9 प्राइम, और आपको इस फोन आपको 10,000 के अंदर अभी इससे बेटर कोई फ़ोन मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा 10,000 के अंदर। तो यही कुछ 5 फ़ोन थे। तो अभी तक आप समझ गए होंगे आप 5ों फ़ोन में क्या डिफरेंस है और आपके लिए बेस्ट फ़ोन कौन सा होगा। इनफैक्ट अगर मेरा ऑप्शन में जाए तो यार Redmi 9 Pro प्राइम फ़ोन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा विद इन 10,000। तो इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे और कमाल के बहुत सारे वीडियो आने वाले। अगर आप मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको इस 5 फ़ोन में से सबसे बेस्ट फ़ोन कौन सा लगा और आप कौन सा फ़ोन लेना चाहोगे अगर आपको 10,000 के अंदर एक फ़ोन लेना है। और मुझे आप कमेंट में भी बता सकते हो आप और किस टाइप का वीडियो मेरे चैनल में देखना चाहते हो, मीन्स और किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ। तो इस वीडियो में इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।